मास्टर कैम के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड कमांड के अंदर कुछ सॉलिड टैब के अंदर जो कुछ और कमांड्स आती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिंपल के अंदर जो सब कुछ सिलेंडर ब्लॉक स्पेयर कॉन वगैरह ये किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सट्रूड और रिवॉल्व के बारे में। एक्सट्रूड किस तरीके से कोई भी कंपोनेंट किया जाता है और रिवॉल्व किस तरीके से किया जाता है। एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक 2D प्रोफाइल होनी चाहिए जिसे हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर 2D प्रोफाइल बना लेता हूँ रेक्टेंगल। तो हमारे पास अभी ये एक रेक्टेंगल है। एक्सट्रूड का अर्थ हो गया कि कोई भी हमारी 2D प्रोफाइल है उसे एक स्पेसिफिक हाइट देना और या स्पेसिफिक डायमेंशन प्रोवाइड करना, वो पर्पज़ रहता है। एक्सट्रूड पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले ये हमें बोलता है कि चैन सेलेक्शन कीजिए जिसे आप एक्सट्रूड करना चाहते हो। ध्यान रहे एक्सट्रूड वही हो सकता है जो क्लोज चैन की जो कमांड्स रहती है वही चीज़ें एक्सट्रूड की जा सकती है। देन ओके पर क्लिक करने पर हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाता है नया चीज़ या नया विंडो कहे। तो यहाँ पर आप एक्सट्रूड दे आ रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर देता ऑप्शन क्रिएट बॉडी, जो हमारी कंपोनेंट है उसे बनाना है वो चीज़ आ गया है। देन यदि यहाँ पर आप चाहते हैं क्रिएट सिंगल ऑपरेशन, अर्थात आप सिंगल ऑपरेशन करना चाहते हैं या कुछ और ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ पर यदि ये चैन है यदि आप इसमें यहाँ पर कोई भी और चैन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, और इस चैन को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा रहता है नेक्स्ट वन डायरेक्शन, अर्थात एक्सट्रूड किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मुझे जिस डायरेक्शन में करनी है उस डायरेक्शन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट रहता हमारा एक्सट्रूड जो है कितने mm की डिस्टेंस तक करना है। सपोज मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड करना है 30 mm, तो जैसे ही मैं 30 mm क्लिक करता हूँ तो मेरा एक एक्सट्रूड हो गया 30 mm तक। देन यदि आप बोथ डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ और नई चैन भी ऐड करना चाहे तो और भी नई चैन ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से एक्सट्रूड कमांड में सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि कोई भी एक्सट्रूड के अंदर कुछ भी बॉडी क्रिएट करना हो तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकेंड वन रहता है एक्सट्रूड के अंदर यदि हमें कुछ भी रिमूव करना है एरिया, वो चीज़ भी हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले हमें एक्सट्रूड पर क्लिक करना है, जैसे ही हम एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं देन हमें चैन सेलेक्शन करना है। फिर से चैन सेलेक्शन करने के बाद सपोज अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बॉडी है ये इसमें से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है कट बॉडी, सेकेंड वन ऑप्शन। कट बॉडी का अर्थ हो गया कि जो हमारा ऑलरेडी बॉडी है उसमें से वो ये पोर्शन रिमूव करना है। सो कट बॉडी पर क्रिएट करने पर हमारा ये पोर्शन रिमूव हो जाता है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं तो कितने डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से दे सकते हैं। सपोज मुझे 15 mm ही एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर 15 mm तक एक्सट्रूड होगा और बाकी का रिमूव नहीं होगा। सपोज आप चाहते हैं कि थ्रो रिमूव करना चाहते हैं तो थ्रो ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टोटल रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हम एक्सट्रूड को अलग अलग फंक्शंस में कोई भी 2D प्रोफाइल से कुछ भी 3D कंपोनेंट्स क्रिएट करना है उस पर्पज़ के लिए हम एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं। एक्सट्रूड में थर्ड टाइप रहता है हमारा ऐड बॉस। ऐड बॉस का किस तरीके से यूज किया जाता है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉलीगन है, अब मैं इस पॉलीगन को पुराने पोर्शन के ऊपर ही ऐड करना चाहता हूँ, उस पर्पज़ के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो फिर से हम सॉलिड में गए, एक्सट्रूड कमांड, ओके, ऐड बॉस पर क्लिक किया एंड देन ऊपर की तरफ मुझे इसी के अंदर ये प्रोफाइल ऐड करनी है, उस पर्पज़ के लिए हम ऐड बॉस का यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से यदि हम क्रिएट करनी है कोई भी प्रोफाइल तो क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, और कुछ भी नया उसके ऊपर ऐड करना है तो एक्सट्रूड में ये ऐड भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन कमांड जो रहती है हमारा रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड का किस तरीके से यूज किया जाता है। रिवॉल्व कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा कोई भी 2D ड्रॉइंग्स होती है जिसे हमें कोई स्पेसिफिक डायमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, उस पर्पज़ के लिए हम रिवॉल्व का यूज़ करते हैं। सो आइए समझते हैं।
सपोज कि हमारी एक कोई भी ड्राइंग है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में बनी हुई है, सो अब हमें इसे रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे ही हम रिवॉल्व कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन रहता है कि हमारे जो चैन है उसे सिलेक्शन कीजिए। जैसे ही हम चैन सिलेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा किस एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करना है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो मुझे अभी इस एक्सेस के अलॉन्ग इसे क्रिएट करना है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये चैन क्रिएट हो जाता है। सो इस तरीके से हम रिवॉल्व कमांड का यूज़ कर सकते हैं। रिवॉल्व कमांड में जिस तरीके से हम एक्सट्रूड में कट बॉडी करते हैं उसी तरीके से एक्सट्रूड इसमें भी रिवॉल्व के अंदर कट बॉडी कर सकते हैं। देन यहाँ पर किस एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करवाना है वो यहाँ से आप चाहें तो वापस से सिलेक्शन कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है कि स्टार्टिंग एंगल, आप अर्थात कितने डिग्री से स्टार्ट करना चाहते हैं, और एंड एंगल अर्थात कितने डिग्री पे आप एंड करना चाहते हैं, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड रिवॉल्व कमांड का यूज अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट, ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोस्टली रिवॉल्व कमांड का उपयोग हम कोई भी 2D ड्राइंग को सिलेंड्रिकल शेप में क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम रिवॉल्व और एक्सट्रूड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉफ्ट और स्वीप कमांड के बारे में, इनका किस तरीके से यूज किया जाता है।